अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नन्ने मुन्ने। प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं भाई, क्या हो रहा है? हाँ भाई, पढ़ रहे हैं। वाह भाई, पढ़ रहे हैं। खेल लिया था आज? अच्छा, पहले खेल लिया था, अब पढ़ने बैठ गए हैं। ज़बरदस्त भाई, पढ़ने बैठ गए हैं। अच्छा, कल जो हमने इतने बहुत सारे अल्फाज पढ़े थे, उनको दोबारा से पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अच्छे से पढ़ना आ जाए। वाह भाई, ज़बरदस्त, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं कि वीडियो देखने से पहले पिछला काम अपना दोहरा रहे हैं ताकि आगे का काम भी हम अच्छे से पढ़ लें। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई कि मेरे दोस्त जो हैं वो खुद से पढ़ने लगे हैं, खुद से रिवाइज़ करने लगे हैं, पिछला काम लेके बैठ जाते हैं ना। कितनी आसानी होती है ना इससे कि अगर हम खुद से बैठें, पिछला काम दोहरा लें तो हमें पक्का पक्का याद हो जाता है और फिर हम आराम से आगे का काम भी, नया नया काम भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ना। तो जनाब, कल हमने सीखे थे बहुत सारे अल्फाज, तो आज भी हम सीख रहे हैं नए अल्फाज। जी जनाब, आज भी मैं आपको सिखा रही हूँ नए अल्फाज, क्योंकि आप पिछला काम दोहरा रहे हैं खुद से। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरे दोस्त पिछला काम दोहरा रहे हैं तो फिर मैं उन्हें आज नया काम बताऊँ, नए नए अल्फाज सिखाऊँ, है ना? खुशी की बात है ना? ज़बरदस्त। तो जनाब क्या करेंगे, उर्दू सिलसिला सासों की किताब खोल लीजिए। सफ़ा नंबर यहाँ पे 83 खुल गया है और मौजूद है नए नए अल्फाज। जी जनाब, आज भी हमने सीखने हैं नए नए अल्फाज और इसी तरह से प्रॉमिस करेंगे आप घर पे बैठ के दोबारा से रिवाइज करेंगे, खुद से भी रिवीजन करेंगे। वेरी गुड, प्रॉमिस पक्का, वेरी नाइस। चलिए जी, पढ़ते हैं, देखते हैं कि आज हमारे इस सफ़े पे मौजूद आइकन हमसे क्या कह रहे हैं। जल्दी से बताइएगा कितना आइकन्स मौजूद है, पहले ये बताइए। 3 आइकन्स मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक, 3 आइकन्स मौजूद हैं। क्या क्या कह रहे हैं ये भी बताइए भाई। पहला आइकन क्या कह रहा है हमसे, पढ़िए। ठीक है जनाब, पढ़ लेंगे। और फिर दूसरा आइकन हमसे क्या कह रहा है, लिखिए। जी जनाब, खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मेरे दोस्त बड़े हो गए ना, खुद से लिखते भी हैं। और उसके बाद मानो बिल्ली जो हमारी प्यारी सी दोस्त मौजूद हैं, वो हमसे कह रही हैं रंग भरिए। मानो बिल्ली को भी रंग भरना बहुत पसंद है और हमें भी बहुत पसंद है। तो जनाब ये काम कर लेंगे और उसके बाद तारीख ज़रूर लिखेंगे। सबसे पहले तारीख लिखेंगे, तारीख लिखना मत भूला करें। ठीक है जनाब, तारीख ज़रूर लिखेंगे। अब पढ़ते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से नए अल्फाज मौजूद हैं। फेल। जी जनाब, जब रिवीजन नहीं करते हैं, सही से नहीं पढ़ते हैं और बार बार रिवाइज नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम्स में हो जाते हैं फेल, जो मेरे दोस्त नहीं होते हैं क्योंकि वो तो पढ़ते हैं ना। जी जनाब, ये लिखा हुआ है फेल। फेल, फेल। ले, प, ले, प, लेप, लेप, लेप। कोई आपके पास क्रीम मौजूद हो, कोई ऐसा मम्मा जो है अक्सर कोई चीज़ लगा रही होती हैं, लेप लगा रही होती हैं, उसे कहते हैं लेप। लेप जो कि ये देखें, ये भी आंटी कुछ लगा रही हैं अपने हाथों पे, किसी भी मिक्सचर का लेप। मे, ल, मे, ल, मेल, मेल, मेल। जी मेल जोल, मिल के रहना, मेल जोल करना, गले लगना, मेल। मिलते हैं ना दोस्तों से अपने, यहाँ पे हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, नहीं भाई मिलते भी हैं, प्यार से खेलते हैं, कभी कभी झगड़ा हो जाता है। हाँ भाई, कोई बात हो जाती है तो झगड़ा हो जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन सॉरी करके बात मना लेते हैं, है ना? वेरी गुड। चलिए दोबारा पढ़ते हैं कौन कौन से लफ्ज पढ़ लिए हमने। फेल, 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 फेल। लेप, लेप, लेप। मेल, मेल, मेल। द, ने, द, ने, दाने, दाने, दाने। दाने गिर जाते हैं कभी, तस्बीह के दाने आपके पास होते हैं, तस्बीह के दाने पड़ रहे होते हैं, आपके भी दाने ऐसे ही गिर जाते हैं आपके पास से, चने के दाने होते हैं या कोई भी आप गेम खेल रहे होते हैं वो दाने गिर जाते हैं, ये मौजूद हैं दाने, ये मौजूद है क्या। गा, ने, गा, ने, गाने, गाने, गाने। गाते हैं आप लोग, गाना गाना पसंद है ना, बहुत अच्छा लगता है भाई, गाने। तो ये भी गा रहे हैं गाने, मुझे लग रहा है कोई मुकाबला है स्कूल में जहाँ गा रहे हैं ये गाने, गाने, गाने। जागे, 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 जागे।
जागे जब सुबह सुबह मम्मा जगा रही होती है तो हम कहते हैं हम लोग जागे जागे जागे। जी जनाब, दाने दाने दाने, गाने गाने गाने, और फिर है यहाँ जागे जागे। पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ में? वेरी गुड। मजीद अल्फाज पढ़ लें, चले पढ़ते हैं। मजीद अल्फाज है हमारे पास, बो ले बो ले, बोले बोले बोले, तो ले तो ले, तोले तोले तोले, फिर बो ने बोने बोने बोने, बोले बोले तोले तोले बोने बोने। जनाब पढ़ते हैं सारे अल्फाज को दोबारा से। फेल फेल फेल, लेप लेप लेप, मेल मेल मेल, दाने दाने दाने, गाने गाने गाने, जागे जागे जागे, बोले बोले तोले तोले, बोने बोने। जनाब सारे अल्फाज को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब क्या करना है? लिखना है। जी जनाब, दूसरा आइकन का कहना मानना है, लिखना है। पेंसिल्स निकाल लीजिए। पेंसिल्स निकालने के बाद हर लफ्ज़ के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे खुशखत लिखना है, लाइन दी हुई है, लकीर खींची हुई है, आपने अच्छे से देख के समझ के आहिस्ता आहिस्ता से लिखना है हर लफ्ज़ को। यहाँ बारी बारी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखने के बाद क्या करना है, आपने भी पढ़ते भी जाना है, लिखते भी जाना है। फिर मानो बिल्ली का कहना मानना है, कलर पेंसिल्स निकाल लीजिए। कलर पेंसिल्स निकालने के बाद हर तस्वीर पे अच्छे से रंग भरिएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं एक ही सिमत में कीजिएगा। तस्वीर से रंग बाहर नहीं जाएंगे। और उसके बाद जब काम कंप्लीट कर लेंगे, उससे पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, काम कंप्लीट कीजिएगा। बड़े बहन भाई या मम्मा बाबा को ज़रूर रीचेक कराइएगा, और रीचेक कराने के बाद टीचर को वॉइस नोट भेजिएगा रीडिंग का, और अपने काम की पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।